हेलो, गुड मॉर्निंग गौरवड़ी। तो सब बच्चे आज ध्यान दें, आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। तो इसके पहले समझिए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय होना, यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट सम सक्रिय रहता है, सब्जेक्ट खुद अपना काम करता है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम राइट्स ए लेटर, इस वाक्य में राम जो है वो सम पत्र लिखता है, इसलिए जो राम जो है वो सक्रिय है। और पैसिव वॉइस जो होता है उसका मतलब होता है निष्क्रिय होना, और इसका मतलब होता है जब वाक्य में सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है तथा वर्ब के अनुसार काम करता है, यानी क्रिया के अनुसार काम करता है, तो इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे लेटर इज रिटन बाई मुकेश, पत्र राम के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो है राम मुकेश जो काम कर रहा है वो पत्र के अनुसार कर रहा है, यानी जो क्रिया है उसके अनुसार काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ अन्य नियम हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये सीखना होता है कि कौन सी चीज़ किस में बदलेगी। तो अब देखिए, हम पहले सब्जेक्ट जो होता है वाक्य में उसको हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो कौन सा सब्जेक्ट किस में बदलेगा, किस ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ये ध्यान देने की बात है। तो आई जो होता है वो मी में बदलेगा, और वी जो होता है वो एस में बदलेगा, और यू जो होता है वो ही रहेगा, ही जो है हिम बन जाएगा, सी जो है वो हर बन जाएगा, और दे देम में बदल जाएगा, इट इट ही रहेगा, और नेम नेम ही रहेगा। ये तो हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ। इसका उल्टा भी आप देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदलेगा। इसका मतलब अगर वाक्य में मी आया है तो आई में चेंज होगा, एस आया है तो बी में चेंज होगा, यू है तो यू ही रहेगा, हिम है तो ही में चेंज हो जाएगा, हर है तो सी में चेंज हो जाएगा, और देम दे में चेंज हो जाएगा, इट इट ही रहेगा, और नाम नाम ही रहेगा। और देखिए नंबर दो नियम क्या है, एक्टिव को पैसिव में बदलते समय आमतौर पर ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर बाई का प्रयोग करने का मतलब है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज नहीं होता, और उसकी जगह पर हम प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। और उसके बाद देखिए, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक निश्चित नियम है कि हम जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और टेंस, इसमें कौन सा टेंस किस में बदलेगा, एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलेगा, और पैसिव में उसको हम किस में चेंज करेंगे, ये भी हम यहाँ सीखेंगे। देखिए सिंपल टेंस होता है, सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें आपको एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस मिलेगा, और इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर में चेंज कर देंगे, और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जो कौन सी क्रिया किसके साथ लगेगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लुरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में लगती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीज जो होता है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में लगती है। इसी तरह पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सिंगुलर एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लुरल बहुवचन के साथ में आर का यूज है, और थर्ड फॉर्म तो निश्चित रूप से यूज होनी ही है। इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य नेगेटिव हो तो उसमें डू नॉट और डज नॉट आपको मिलेगा, और साथ में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो इसको भी हमें डू और डज को हटा करके उनकी जगह पर इज एम आर का यूज कर देना है, यानी कर्ता एक वचन हो तो इज आई के साथ एम और आर बहुवचन के साथ लगेगा, साथ में नॉट और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस तरह सिंपल पास्ट टेंस हो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो आपको उसमें सेकंड फॉर्म मिलेगी, और सेकंड फॉर्म को हम वाज और वर में चेंज कर देंगे और साथ में लगा देंगे थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव तो आपको उसमें मिलेगा डिड नॉट प्लस में फर्स्ट फॉर्म, और डिड को हटा करके हम पैसिव वॉइस में वाज और वर का यूज करेंगे, साथ में नॉट और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह टेंस अगर सिंपल फ्यूचर है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आपको उसमें मिलेगा सेल विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म, और सेल विल एक तरह से मॉडल भी है और ये हेल्पिंग वर्ब में भी आती हैं,
तो सेल व्हील के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम पैसिव बनाएंगे, तो सेल व्हील को हमें हटाना नहीं है और इसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म की जगह पर बी लगा करके और आगे थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और इसमें भी ये ध्यान रखना है आई के साथ और वी के साथ सेल लगता है और बाकी अन्य जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में व्हील का यूज आपको करना है। इसके बाद आगे जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, इज, एम, आर, प्लस में आपको मिलेगी फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। इसी तरह आपको इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इज एम आर को हमें हटाना नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिस भी टेंस में फर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आए उसका पैसिव बनाते समय आपको निश्चित रूप से बी ई आई एन जी यानी बीइंग का यूज निश्चित रूप से करना है। बीइंग लगा करके अब हमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। आई एन जी आए तो बी के साथ आई एन जी लगा दीजिए आप, बीइंग प्लस में थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसके बाद आपका है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें आपको इज एम आर की बजाय मिलेगा वाज, वर, और साथ में इसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी मिलेगा। तो इस की तरह का ही नियम इसमें लगाना है, इसमें इज एम आर, इसमें इज एम आर, इसमें वाज वर, तो इसमें भी वाज और वर, साथ में इसमें भी आई एन जी आया हुआ है तो इसमें भी हम क्या करेंगे बी के साथ में आई एन जी लगा देंगे यानी बीइंग और प्लस में थर्ड फॉर्म। यह हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हमें टेंस कहना है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव मिलेगा और इसमें आपको साथ में मिलेगी थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह इसका भी हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव को हटाना नहीं है, हैज भी रहेगा और हैव भी रहेगा, लेकिन जिस वाक्य में थर्ड फॉर्म आ जाए उस वाक्य का पैसिव बनाते समय हमें इसमें बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन का यूज निश्चित रूप से करना है। जिस वाक्य में थर्ड फॉर्म आए उसकी पैसिव में आपको बीन लगाना है और साथ में थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके बाद हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैज हैव का पास्ट मिलेगा यानी हैड और हैड प्लस में आपको मिलेगा थर्ड फॉर्म। तो अभी आपको बताया था जिस भी वाक्य में थर्ड फॉर्म आए उसकी पैसिव में आपको बीन लगाना, तो इसमें आपको क्या करेंगे हैड प्लस में बीन प्लस में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। इसके बाद हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या मिलेगा विल या शैल प्लस में आपको हैव मिलेगा और इसमें आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो इसमें भी आपको बताया था विल शैल को चेंज नहीं करना है, ना ही हैव को चेंज करना है। विल शैल प्लस में हैव जो नियम है वो आपको बताया था थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिस वाक्य में थर्ड फॉर्म आए उसमें आपको बी एन का यूज करना है और साथ में लगानी है थर्ड फॉर्म। तो ये आपके नियम हैं, आप देख लीजिए, बहुत ही कम नियम है वो इसमें, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही 8 नियम है। इसके साथ
नौवा नियम आपको बता देते हैं, इसमें आएंगे मोडस। मोडस का मतलब क्या है? कैन, कुड, शैल विल पहले आ गए, वुड, मे, माइट, मस्ट, तो इस तरह के ये मॉडल्स होते हैं। इनके साथ आपको मिलेगी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आपको क्या करना है, पैसिव में मॉडल सेम के सेम रखने हैं। जैसे कैन है तो कैन ही रखना है, कुड है तो कुड ही रखना है, और वाक्य में वुड आया हो तो इसको भी चेंज नहीं करना, मे को भी चेंज नहीं करना, माइट और मस्ट आदि सारे सेम रहेंगे। लेकिन आपको देखना है ये आई फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आई तो आपको पैसिव उसमें बी का यूज करना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म की हमें बनानी है थर्ड फॉर्म, इसलिए हमें फर्स्ट फॉर्म को थर्ड रूप में चेंज कर देना है। तो कुल मिलाकर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए नौ नियम है। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आई तो हमने यहाँ पे बीइंग लगाया, फर्स्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी क्रिया आई, हमने यहाँ पे बीइंग लगाया, तो इस तरह इन दो वाक्यों में बीइंग का यूज हो गया। इस तरह जिस जिस वाक्य में थर्ड फॉर्म आया हुआ है उसमें हमने क्या किया, बीइंग, बीइंग और बीइंग लगाया हुआ है, तो इन तीन वाक्यों में, तीन टेंसेज में बीन का हम यूज और करेंगे। जहाँ फर्स्ट फॉर्म आया है वहाँ पर हम बी लगा देते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा फ्यूचर टेंस में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई तो हमने यहाँ पे बी यूज किया। इसी तरह मॉडल्स में देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई तो यहाँ पे हमने बी का यूज किया हुआ है। तो इस तरह ये हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है। तो हम अभी इसके वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे आप देखिए टेंस वाइज हम सीखते हैं, जैसे हमारे पास एक्टिव वो इसमें सिंपल टेंस का वाक्य है, सी ईट्स एन एप्पल, सी ईट्स एन एप्पल ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसिया इस लगा हुआ है, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने आपको जैसे सिखाया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, यानी ये चीज़ इधर आ जाएगी ऑब्जेक्ट बन के, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी एन एप्पल, एन एप्पल। अब आप देखिए फर्स्ट फॉर्म आई तो हमारा नियम क्या था कि फर्स्ट फॉर्म में एसएस वाली फॉर्म आए तो हमें इज एम आर का यूज करना है। तो अब देखिए कर्ता जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें इसके साथ में इज का यूज करना है, एप्पल इज। अब आपको बताया था कि इसमें निश्चित रूप से थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, ई ए टी एन, एंड एप्पल इज ईटन बाई, और सी आपको बताया था जो सब्जेक्ट है वो सी हर में बन जाएगा, एंड एप्पल इज ईटन बाई हर, ये आपका हो गया सिंपल टेंस का सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य, तो हमें इस तरह चेंज करना है। इस तरह अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन हो जाएगा तो हमें इज की बजाय आर यूज करना है। इसका हम उदाहरण सीख लेते हैं, ही He writes
पोएम्स, ही राइट्स पोएम्स, वह कविताएं लिखता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पैसिव में हम क्या करेंगे, पोएम्स, क्योंकि पोएम्स जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमें इसको देखते हुए इसके साथ में आर यूज करना है। पोएम्स आर, राइट की थर्ड फॉर्म डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन बाय हिम। पोएम्स आर रिटन बाय हिम, ये आपका बन गया एक्टिव का पैसिव। लेकिन यहाँ पे इस था, यहाँ आर एस का फर्क क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है। इसी तरह हम इसका एक वाक्य और कर लेते हैं, राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मी जो है वो सब सब्जेक्ट बनेगा, तो आई बन जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएस लगा हुआ है, इसलिए हमें इसको इजमार में चेंज करना है। तो आई के साथ हमें लगाना है आई एम। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टी ए यू जी एस टी, आई एम टॉट बाई राम। तो निश्चित नियमों का पालन क्या हो रहा है, एक आपको बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होगा, सभी वाक्य में आप देख लीजिए बाई का यूज हो रहा है। और निश्चित नियम दूसरा क्या था, क्रिया की थर्ड फॉर्म की ही इस्तेमाल इसमें होगा। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लग रही है, चेंज क्या हो रहा है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आदि, क्योंकि ये सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार चेंज होते हैं। इसी टेंस का एक वाक्य और कर लेते हैं जो नेगेटिव है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वह दूध नहीं पीता है। इसका वाक्य क्या बनेगा पैसिव का, मिल्क, क्योंकि मिल्क जो लिक्विड चीज है ये हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ हमें क्या करना है इज लगाना है। आपको बताया था डू या डज आए तो इसको हटाना है, और जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर या प्लूरल उसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मिल्क के साथ इज, मिल्क इज नॉट का नॉट यूज करेंगे। और आपको बताया था इसमें निश्चित रूप से थर्ड फॉर्म यूज होगा, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, मिल्क इज नॉट ड्रंक, इसके बाद आपको लगाना है बाई और फिर ही बन गया हिम, मिल्क इज नॉट ड्रंक बाई हिम। तो इस तरह हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हल करना है। ये चारों नियम आप ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसके बाद हमारा नियम था दूसरा सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें आपको बताया था आपको मिलेगी सेकंड फॉर्म, और हमें इसको चेंज करना है वाज प्लस में थर्ड फॉर्म में। इसके हम वाक्य कर लेते हैं, सीता डब्ल्यू आर ओ टी ई रोट ए लेटर, सीता रोट ए लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसको हम पैसिव बनाएंगे तो आपको पता है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में ए लेटर। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आए तो एजमार में, सेकंड फॉर्म आए तो वाज वर्ब में चेंज होगा। वाज वर्ब का भी आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर हो तो वाज नहीं तो वर, ए लेटर यानी सिंगुलर है इसलिए आपको इसमें लगाना है वाज, लेटर वाज राइट रोड रिटर्न, थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, ए लेटर वाज रिटर्न बाई सीता, ये आपका वाक्य बन गया। इसी तरह हम इसका प्लूरल
जो है उसका कर लेते हैं बाकी। They wrote poems. They wrote poems. उन्होंने कविताएं लिखी, यानी उन्होंने, यहाँ पर poems जो है वो प्लुरल है तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इधर poems हो जाएगा। poems क्योंकि प्लुरल है इसलिए हमको यहाँ पे लगाना है वर। poems were wrote written, poems were written by them, poems were written by them। poem plurals है, plural है इसी इसके साथ में आपको वर लगाना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म बाई और दे बन गया them। तो ये आपकी सिंपल जो पास्ट टेंस है उसकी दो उदाहरण है। इसके बाद हम इसका एक नेगेटिव वाक्य कर लेते हैं। We did not play hockey. We did not play hockey. तो इस वाक्य को हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें मक्के निगेटिव है, डिड आया हुआ है, यानी ये भी पास्ट टेंस का वाक्य है। इसमें हॉकी जो वर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, इसमें आपको बताया था जैसे डू डज को हटा करके इजमा लगाते हैं, इसी तरह डिड को हटा करके वाज वर यूज़ करना है। तो हॉकी एक गेम खेल है, इसके साथ हमको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है वाज। हॉकी वाज ए नॉट और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, इसके बाद बाई और वी का बन गया एस। हॉकी वाज नॉट प्लेड बाई एस, इस तरह ये वाक्य बन गया निगेटिव। ये हो गया टेंस आपका पास्ट का इनडेफिनेट। इसके बाद हम वाक्य करेंगे फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको बताया था इसमें आपको मिलेगा शैल या विल, और इसमें आपको मिलेगी फर्स्ट फॉर्म। और हमें पैसे में बदलने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, शैल की जगह शैल विल, और साथ में आपको लगाना है बी और प्लस में थर्ड फॉर्म। इस नियम का हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है आई और वी हो तो आपको शैल लगाना है और बाकी के साथ में विल लग जाएगा। जैसे I shall see a match. I shall see a match. I के साथ में shall लगा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें पैसिव में क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, a मैच। अब देखिए आपको बताया था आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, तो हम यहाँ क्या करेंगे ए मैच के साथ में लगा देंगे विल। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई हुई है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बी, ये मैच विल बी। अब इसकी थर्ड फॉर्म सीन, ये मैच विल बी सीन बाई मी, ये मैच विल बी सीन बाई मी, ये इसका हो गया आंसर। अब हम इसका आगे ध्यान करिएगा, एक वाक्य और कर लेते हैं। यू विल
रीड ए बुक, तुम पुस्तक पढ़ोगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट इसको आगे लेके जाएंगे, ए बुक। अभी आप यहाँ देखिए आई और बी को छोड़ के सबके साथ में विल लगाना है। यहाँ यू है तो यहाँ विल, और यहाँ पर भी क्योंकि आई और बी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी विल ही यूज़ करेंगे। ए बुक विल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई इसलिए यहाँ पे आपको लगाना बी, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड पाई, और आपको बताया था यू जो है वो यू ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। बुक विल बी रेड बाई यू, ये हमारा टेंस हो गया फ्यूचर। इसके बाद हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा इज एम आर प्लस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और इसको हमें चेंज किस में करना है, इज एम आर प्लस में आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आए तो आपको बीइंग का यूज करना है। बींग के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में चेंज कर देना, नियम आपको लागू करना है। तो जैसे हम यहाँ वाक्य करते हैं, सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग। अब इस वक्त हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट इज एम आर आई एन जी और फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम इधर ले आएंगे फूड, इधर भी सिंगुलर इधर भी सिंगुलर, तो इज का इज ही रहने दीजिए फूड इज, अब देखिए यहाँ पे आई एन जी आ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे बीइंग, फूड इज बीइंग, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है कुकी कुक्ड, और बाई और सी को हर बना देंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर, ये इसका आंसर होगा। आगे दूसरा वाक्य करते हैं, दे आर दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहाँ पे प्लूरल है, इसके साथ आर है, आई एन जी है बॉल फुटबॉल, अब यहाँ पे आर था लेकिन हम यहाँ इस करेंगे क्योंकि दे प्लूरल है और फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल इज, और आई एन जी क्रिया के लिए आपको यहाँ पे बीइंग यूज करना है, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट बाई, अब दे चेंज हो गया धनी, गोल इज बीइंग प्लेट बाई धनी, इसका हो गया आंसर। इसके बाद हमारा अगला टेंस जो है वो करते हैं पास्ट कंटिन्यूस का। फर्स्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा वाज या वर प्लस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ये आपको मिलेगा, लेकिन इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज वर को चेंज नहीं करना है, सेम रहेंगे, और इसमें आपको बीइंग यूज करना है और थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये नियम आपको लागू करना है। जैसे वाक्य इसका करते हैं हम, राधा
रीडिंग ए नोवल, राधा वाज रीडिंग ए नोवल, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी क्रिया, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ए नोवल वाज यहाँ पे और यहाँ पर भी वाज, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर है। ए नोवल वाज आईएनजी क्रिया आई तो यहाँ पे लगाएंगे बीइंग और इसकी थर्ड फॉर्म रेड बाय और राधा, हमें यहाँ पे राधा को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है और नाम के लिए यहाँ पे नाम ही लिखना है। एक और वाक्य करते हैं, दी टीचर वाज टीचिंग ए लेसन, टीचर वाज टीचिंग ए लेसन। तो देखिए आप एनजी क्रिया है ए लेसन, इसका आंसर है ए लेसन। इसमें भी वाज, इसमें भी वाज ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इसमें एनजी क्रिया आई है तो आपको लगाना है बीइंग और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, लेसन वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर, लेसन वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर, ये इसका हो गया वाक्य। एक और वाक्य करते हैं, दे वर मेकिंग ए टॉय, वे खिलौना बना रहे थे, तो ए टॉय इधर हो जाएगा ए टॉय, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए वर था, यहाँ सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, एक टॉय वाज बीइंग मेड बाय देम, एक टॉय वाज बीइंग मेड बाय देम। तो इस तरह हमको ये करना है, फास्ट कंटिन्यूस टेंस को हल करना है। इसके बाद हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और इस तरह की इस टेंस में हमको मिलेगा क्या, हैज या हैव प्लस में मिलेगा थर्ड फॉर्म। हमें इसको चेंज किस में करना है, एक नया वर्ड लगाना है हैज, हैव के साथ में बीन लगा करके थर्ड फॉर्म का यूज करना है, इस नियम का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे हम वाक्य बनाते हैं, ही हैज सीन ए फिल्म, वह फिल्म को देख चुका है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज, सीन थर्ड फॉर्म, ए फिल्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि कर्ता सिंगुलर इसलिए हैज लगा हुआ है। अगर प्लूरल होता या आई होता तो हम यहाँ पे हैव लगाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया ए।